हिंदी क्लब में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालें सामाजिक विज्ञान पे विद सिद्धार्थ। हिंदी क्लब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ कुमार आज कक्षा 6 के इतिहास विषय के संबंध में चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। BTBC की जो हिस्ट्री की बुक है वो उसमें क्लास 6 में जो है आपका 14 चैप्टर टोटल है, ठीक है। टोटल 14 चैप्टर इसमें है। तो मैं दो पार्ट में, इस वीडियो के दो पार्ट में मैं पॉइंट वाइज एक एक चैप्टर का आपको क्लियर करूंगा। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा अतीत जो चैप्टर है इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। हमारा अतीत कैसा था, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, वो किस तरह के परिवेश में अपना जीवन यापन करते थे, इस तरह की जो बातें हैं इस चैप्टर में दी गई हैं। ये चैप्टर विशेष रूप से ऐसा मुख्य रूप से उपयोगी मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये मात्र एक इंट्रोडक्शन की तरह दिया गया है। इस संबंध में मैं इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैं चर्चा करूँगा अध्याय 2 की। अध्याय 2 जो है इसमें जो है वो आपका है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये BTBC की जो हिस्ट्री की क्लास 6 की बुक है इसकी अध्याय 2 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं चर्चा में शामिल करूँगा और आपको उसको क्लियर करते जाऊँगा। मैं सबसे पहले पहला जो मेन पॉइंट है वो है डॉक्टर अस्नूपर से संबंधित। डॉक्टर अस्नूपर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं वैभवता पर प्रकाश पड़ता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है इस चैप्टर का वो है डॉक्टर अस्नूपर ने कहाँ पास खुदाई की है और उससे जो है वो किस राजा का जो है वो अवशेष मिले हैं या स्तंभ मिले हैं, ये मेन मेरा पॉइंट रहेगा इस चैप्टर का पहला पॉइंट। इस चैप्टर का मेरा दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो कार्बन C14 पद्धति से रिलेटेड रहेगा। कार्बन C14 के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन C14 है क्या। कार्बन C14 जो है यह तिथि निर्धारण की भौतिक शास्त्रीय विधि है। इससे हम पुरानी वस्तुओं, पौधे, मनुष्य इत्यादि जो अवशेष प्राप्त होते हैं उससे हम इनकी आयु का पता लगाते हैं। C14 जो है एक सिस्टम है, भौतिक शास्त्रीय विधि है, इससे हम किसी भी चीज़ का जो है आयु का पता लगाते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो मेरा मेन पॉइंट है वो है भौगोलिक पृष्ठभूमि जो है इसमें मेरा मेन जो अगला पॉइंट है। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि के दृष्टि से जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत को मुख्यतः जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। हमारा पहला भाग जो है वह है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि में मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक होता है। यह जो है हमारा देश का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अब मैं जो तीसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहा हूँ यह काफ़ी जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है तीसरा पॉइंट मैं चर्चा कर रहा हूँ। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। दोस्तों इसमें मेन पॉइंट क्या है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक कौन सी पर्वत श्रेणी करती है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो है वो विंध्य तथा सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं या जो इन पहाड़ियों की जो श्रेणियाँ हैं वो इनको पृथक करती है। तो हमारा मेन पॉइंट इसमें ये है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम व्यू से क्योंकि यही जो है वो हमारा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। नेक्स्ट है हमारा चौथा पॉइंट, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ। हमारा भारत जो देश है उसका नामांकन कैसे हुआ, ठीक है। तो इंडिया जो शब्द है वह इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। लगभग 1500 ईसा पूर्व में जो है ऋग्वेद उसमें इसका जो है उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट थे मैं उसका चर्चा कर दिया हूँ। अब मैं इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं और कुछ सम्मिलित करने वाले प्रश्न हैं।
तो हमारे वीडियो में इन तीनों जो टॉपिक्स हैं इनका आपको इमेज में दिखाऊंगा और इनका जो है वो सही आंसर भी मैं आपको करवाऊंगा दोस्त। तो ये था दोस्तों मेरा इतिहास जो है क्लास सिक्स की इतिहास की जो बुक है उसका जो है दूसरा चैप्टर को मैं क्लियर किया हूँ आपको पॉइंट वाइज। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर थ्री की ओर। चैप्टर थ्री की ओर आने से पहले इस चैप्टर का एक मेन पॉइंट जो है दोस्त मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में एक मेन पॉइंट जो था वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें मेन पॉइंट है कि चावल की प्राचीन प्रमाण जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चावल के जो प्राचीन प्रमाण है वो हमें कोल्डिहवा से प्राप्त होते हैं। आप इसको एग्जाम व्यू से एकदम सेटअप कर लो दोस्तों कि कोल्डिहवा से जो है वो चावल के प्राचीन प्रमाण जो है हमें प्राप्त होते हैं। और इसमें दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है वो हमारा तीन प्रश्न है यहाँ पास। पहला प्रश्न जो है आपका, मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा चार जो है वो दिया हुआ है, चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो है मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण हम कार्बन C40 जो पद्धति है उससे हम करते हैं। इसका चर्चा मैं पीछे आपसे कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है। तो मैं चर्चा किया हूँ विंध्य पर्वत अलग करती है। अगला क्वेश्चन जो है वो, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है। इसका ऑप्शन जो दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है कोल्डिहवा। आपको इसमें मैं इमेज आपको वीडियो में मैं इमेज दिखा रहा हूँ उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा दोस्त। चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। इसमें आगे जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले जो हैं, इसमें आपको पाँच प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इसमें खाली स्थान क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो खाली स्थान इसमें जो दिया हुआ है उसमें लिखेंगे हम, भरेंगे क्या, गंगा के दक्षिण का क्षेत्र। गंगा के दक्षिण का क्षेत्र के अधीन जो है, जो इस काल में जो है वो विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला जो है वो है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को खाली स्थान भागों में विभाजित किया जाता है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया जाता है। अगला जो रिक्त स्थान है उसमें है, खाली स्थान ने कुम्हरार नामक स्थान की खुदाई करवाई। तो मैं चर्चा पीछे किया हूँ कि डॉक्टर स्पूनर जो है उसने ही ये चर्चा स्पूनर ने ही खुदाई करवाई। अगला जो हमारा फिलअप है उसमें है, आधुनिक काल का प्रारंभ खाली स्थान से हुआ होगा। आधुनिक काल का प्रारंभ जो है वो 700 से लेकर 750 ईसा पूर्व के में हुआ है। ठीक है, अगला जो हमारा फिलअप है वो है, खाली स्थान क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मागिरी क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चर्चा को बढ़ाता हूँ आगे। और इसमें जो है वो सुमेलित करने वाले कुछ प्रश्न दिए हैं, चार प्रश्न दिए हैं सुमेलित करने वाले। पहला जो सुमेलन के लिए दिया है वो दिया है खासी। तो खासी जो है एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है, दूसरा जो है वो मगध। तो मगध जो है वो प्रथम बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, तीसरा जो है महापाषाणिक संस्कृति। तो महापाषाणिक संस्कृति जो है वो दक्षिण भारत की संस्कृति थी। नेक्स्ट जो है सुमेलित करने में वो है आपका चोपानी मांडो से हमें अनाजों का होने का प्रमाण जो है वो मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखें कि हमारा जो है वो चैप्टर टू जो है वो पॉइंट वाइज और एक्सरसाइज वाइज क्लियर हो चुका है। अब मैं चैप्टर थ्री की ओर बढ़ता हूँ। अब मैं दोस्तों चैप्टर तीन की बात कर रहा हूँ। चैप्टर तीन हमारा जो है वो है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज कहने का अर्थ है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्रारंभिक समाज, पहले का समाज। हमारा पहले का समाज कैसा था, इस समय के लोग कैसे थे, इनका मुख्य जो है पेशा क्या था, ये अपने जीवन यापन किस तरह से करते थे, इस तरह की बातों का जो है इस चैप्टर में जो है वो विशेष जो है वो दिया गया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मेरा, पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण। पैसरा जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित एक जगह है। पैसरा एक जगह का नाम है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक जीवन मानव जीवन के जो औजारों की तरह औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पैसरा जो है वो कहाँ स्थित है। तो पैसरा हमारा कहाँ स्थित है, पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। और यहाँ पास क्या हुआ है, क्या मिला है, तो यहाँ पर आरंभिक मानव के संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। तो क्लियर है ये। अब मैं अगले पॉइंट की ओर आता हूँ। अगला पॉइंट जो है मेरा है वह है, पाषाण काल को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पाषाण काल के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ अब। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो मेरा है वो है पूरा पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल जो है वो लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक को कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो तिथि क्या है वो 20 लाख साल पहले से 14,000 साल पहले तक का है। इस काल की जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है एग्जाम व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसी काल में आग का आविष्कार हुआ है। तो हमारा एग्जाम में प्रश्न कैसे आ सकता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो मेरा उत्तर क्या होगा, आग का आविष्कार जो हुआ हमारा जो है वो पूरा पाषाण काल में हुआ है। पाषाण काल को तीन भागों में बांटते हैं, पहला था मेरा पूरा पाषाण काल और इसी काल में जो है आग का आविष्कार हुआ है। मेरा जो दूसरा काल है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक को कहते हैं। इसका तिथि निर्धारण क्या है, लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक। इस काल में जो है वो अनेक प्रकार के पर्यावरणीय बदलाव और वातावरण में गर्मी बढ़ने से जिसके कारण गेहूं, जौ, मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उग गए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल की ये इम्पोर्टेंट बातें थी। अगला जो हमारा है वो है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग जो है वो 8,000 साल से 3,000 साल तक का जो है तिथि निर्धारण इसका है नवपाषाण युग का। नवपाषाण युग क्या है मेरा, कब से कब तक का इसका ड्यूरेशन है, तो 8,000 साल से 3,000 साल तक। इसमें जो है इस काल में जो है वो इसमें रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया था। इस काल में जो है वो हमारे प्रारंभिक जो लोग थे वो काफ़ी चेंज हो गए, इसमें इनका रहन सहन चेंज हो गया, कला कौशल के में इनका काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ। तो ये जो था इस तीनों काल का जो है ये मुख्य बातें थी, पाषाण काल की तीनों काल की जो मुख्य बातें थी इसका मैं चर्चा किया आपके साथ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ इस चैप्टर के जो है अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न दोस्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बार बार, मैं पिछले चैप्टर में भी चर्चा किया कि अभ्यास प्रश्न को आप एकदम क्लियर करते जाएं, क्योंकि एग्जाम भी उससे जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, अभ्यास प्रश्न को आप एकदम क्लियर करो। तो मैं अभ्यास प्रश्न की ओर आया हूँ और अभ्यास प्रश्न में यहाँ पास हमारे तीन प्रकार के जो है वो दिए हुए हैं, दो प्रकार के इसमें दिए हुए हैं सॉरी। पहला जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और दूसरा जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है। तो मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर बढ़ता हूँ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यहाँ पर चार प्रश्न है, मैं पहले प्रश्न की ओर आपको ले चलता हूँ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है। इसमें हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के सबसे अधिक निशान मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे। हमारा जो प्रारंभिक औजार है बहुत बहुत एग्जाम व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे। तो प्रारंभिक औजार जो है वो अधिकांशतः पत्थर के बने होते थे। तो आप इसको एकदम सेटअप कर लो दिमाग में कि प्रारंभिक औजार मुख्यतः पत्थर के बने होते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आता हूँ और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है। मेरा सही आंसर है मुंगेर। मैं पीछे भी चर्चा किया हूँ कि मुंगेर के पैसरा में ही जो है आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा जो है वो रिसर्च हुआ, इसमें इसके मिले हैं अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है या पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है। तो मैं अभी जस्ट चर्चा किया हूँ कि पाषाण काल को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। तो ये तीन भाग कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। तीन भाग हैं ये, पहला भाग है पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक और इसी काल में जो है हमारा आग का आविष्कार हुआ था, मैं चर्चा आपसे पहले भी किया हूँ। हमारा अगला जो था वो मध्य पाषाण काल था लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल तक। नेक्स्ट जो था वो मेरा क्या था, नवपाषाण युग 8,000 साल से 3,000 साल तक। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों और आगे जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया गया है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में पहला जो क्वेश्चन है वो है, लिखा है आपका कि भीम वेद का खाली स्थान राज्य में है। भीम वेद का एक जगह का नाम है, भीम वेद का आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है भीम वेद का।
नेक्स्ट जो है फिलअप है वो है आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा खाली स्थान था। जो आरंभिक मानव थे, आरंभ में जो मानव रहते थे, उनका मुख्य बसेरा क्या था? तो उनका मुख्य बसेरा गुफा था, वो गुफाओं में अपना निवास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा फिलअप है वो है पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और खाली स्थान करते थे। तो पाषाण काल के जो लोग हैं वो मनोरंजन के लिए चित्र शैली का प्रयोग करते थे और खाली स्थान करते थे। खाली स्थान मतलब क्या? और चित्र शैली का प्रयोग करते थे, अपने गुफाओं पर चित्र वगैरह जो है वो बनाते थे और नाच करते थे। नाच गाने का इनको शौक था और ये नाच वगैरह करते थे। तो ये हो गया। अगला जो हमारा है वो है खाली स्थान साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। तो 14,000 से 8,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो है वो हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो है वो समाप्त हो गया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ता हूँ।